आधी रात से पहले जामिया में एक और गोलीकांड। रात को 12 बजे से ठीक कुछ देर पहले गोलियां चलती हैं और यह पता चलता है कि गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्कूटर पर सवार एक शख्स था जो लाल जैकेट पहने हुआ था और जिसके स्कूटर का नंबर 1532 या 1534 बताया जा रहा है। लोगों में जबरदस्त आक्रोश, नाराजगी और दिल्ली पुलिस के खिलाफ वो नारेबाजी भी करते दिखाई दिए। और अब ये तीसरी घटना हो गई है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं नहीं जानता हूं कि कार्यक्रम जब तक प्रसारित होगा जामिया के अंदर और कितने गोलीकांड हो जाएंगे। पहला गोलीकांड, ये शख्स ऐसा लग रहा था मानो पुलिस का पूरा समर्थन मिल रहा है इसे गोली चलाने में। इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह नाबालिग है और इस प्रोपेगेंडा में कोई और नहीं बल्कि एक समाचार एजेंसी ANI शामिल थी। अब इस पर गौर कीजिए, नाम है कपिल गुज्जर। कुछ लोग यह भी बता रहे हैं कि यह पत्रकारिता का छात्र है। और इसके बाद कल रात का ये गोलीकांड, आप अगर शाहीन बाग के आसपास निगाह डालें तो वहां से कई चिंतित करने वाले वीडियोस सामने उभर कर आ रहे हैं। अब मैं आपको वीडियो बता रहा हूं कि शाहीन बाग के आसपास किस तरह से हिंदू महासभा और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो धावा बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं भड़काऊ नारे लगाते ये लोग सड़क की तरफ आ रहे हैं और मुद्दा यही है कि किसी तरह से वहां बैठे प्रदर्शनकारियों के साथ टकराव हो, वहां बैठी औरतों के साथ किसी तरह का कोई टकराव हो। वो शाहीन बाग जिसे ना मीडिया का समर्थन मिला है, सरकारी हुक्मरान जिसके खिलाफ जहरीले बयान दे रहे हैं और जो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा चिंतित करने वाली बात क्या है? वो है ये वीडियो। आप देखिए किस तरह से ये स्थानीय लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं शाहीन बाग के खिलाफ। इसमें भजन और कीर्तन की गूंज है, जय श्री राम के नारे हैं, मगर उसी नारे के साथ ये लोग वो शर्मनाक नारा लगा रहे हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो। आप सुनिए। मगर आपने इस वीडियो में एक चीज नोटिस नहीं की होगी, इसके बिल्कुल अंत में आपने देखा कि कुछ बड़े बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं वो भड़काऊ नारे लगाने के लिए। मैं चाहता हूं वीडियो आप फिर से देखिए और फिर मैं इस वीडियो की बात करता हूं। क्या आपको अंदाजा है कि अगर आपको शाहीन बाग से नफरत है तो आप इस नफरत की आग में अपने मासूम बच्चों को झोंक रहे हैं? वो बच्चे जिनका ध्यान होना चाहिए था पढ़ाई लिखाई में, जिनका ध्यान होना चाहिए था खेल कूद में, जिन्हें मासूमियत से सराबोर होना चाहिए था, उन्हें ये लोग, इनके अपने मामा, इनके अपने चाचा, इनके अपने पिताजी इन्हें नफरत में झोंक रहे हैं। ऐसे में नुकसान शाहीन बाग के लोगों का नहीं हो रहा है, नुकसान आप लोगों का हो रहा है जो आप इन बच्चों को यह जहर सिखा रहे हैं। क्या आपको अंदाजा है कि आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं? मगर आप करेंगे भी क्या, क्योंकि आपके सियासी हुक्मरान लगातार आपको बरगला रहे हैं, आपको भड़का रहे हैं और आप उनकी सियासत में लगातार बह भी रहे हैं। सबसे ज्यादा हास्यास्पद है अमित शाह का कल का यह बयान। गृहमंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? वो कह रहे हैं कि दिल्ली में दो दिन तक लगातार दंगे होते रहे और केजरीवाल गर्व से कहते रहे कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूं। वो दिल्ली की रक्षा नहीं कर सकते मगर देश को बांट रहे हैं। अमित जी, आज मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। ये बताइए कि कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है, अरविंद केजरीवाल की या गृह मंत्रालय की जो आपके अंडर आता है? नंबर दो, क्या अमित शाह ये मान रहे हैं कि बकौल होम मिनिस्टर वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं? ही हैज बीन एन एब्सोल्यूट फेलियर। मुद्दा नंबर तीन, भारतीय जनता पार्टी के जो भड़काऊ बयान हैं या शाहीन बाग के आसपास जो तनाव की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं अमित जी, उसको लेकर आपने क्या कार्रवाई की है? 50 दिनों से
वहां पर हालात तनावग्रस्त हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा नहीं गया। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी निगाह है दिल्ली विधानसभा पर। वो चाहते हैं कि इस इलाके में इतना ज्यादा तनाव हो और रोड जाम होने की वजह से, रोड में गतिरोध के चलते ट्रैफिक जाम से लोगों को इतनी दिक्कत हो, इतनी परेशानी हो कि 8 फरवरी को जब वोट डालने की बारी आए तो ये जो नफरत भुना रहे हैं उसका सीधा फायदा उन्हें बैलेट में दिखाई दे, उन्हें दिखाई दे ईवीएम में। है ना जबरदस्त सोच? क्या इस तरह के सोच की काट किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास है? वाकई मैं सलाम करता हूं अमित जी आपको और भारतीय जनता पार्टी की इस जबरदस्त सियासत को। और मेरी अपील चुनाव आयोग से कि आप जब प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और अनुराग ठाकुर पर पाबंदी लगा चुके हैं तो आप इस शख्स पर खामोश क्यों हैं? कहने को यह शख्स उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, मगर जिस तरह के भड़काऊ बयान योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब यह शख्स क्या कर रहे हैं? ये शिव भक्त कांवड़ और मुसलमानों को आमने सामने लाने की कोशिश कर रहा है। रोज अपने सभाओं में ये शख्स बयानबाजी जो कर रहा है उसका मकसद सिर्फ एक है, किसी तरह से मैं दंगे भड़काऊं। और क्या कहा है उन्होंने, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दिल्ली की विधानसभा चुनाव में एक तरफ मोदी हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस और केजरीवाल, विघटनकारी मनोवृत्ति, विनाशक योजना, भारत विरोधी नक्सल पत्तों का समर्थन करने की मंशा के साथ फिर चुनाव में आ धमके हैं। पहले कावड़ यात्रियों पर डंडे पड़ते थे, शंख घड़ियाल नहीं बजाने दिया जाता था, लेकिन जब हम सरकार में आए तो कावड़ यात्री डीजे के साथ जाने चाहिए, उनके स्वागत के लिए पुष्प वर्षा करें, हमारे भक्त दंगा फसाद नहीं करते, हर मजहब को पूजा पाठ करें, लेकिन कावड़ यात्रियों पर जो हमला करेगा उस पर बोली नहीं पुलिस की गोली काम करेगी। क्या कह रहे हैं मान्यवर, सुनिए आप। बोली से नहीं मानेगा तो गोली से तो मानी जाएगा। वाकई मैं भूल जाता हूं दोस्तों कि एक अराजक तत्व और एक राज्य का मुख्यमंत्री जो कि एक संवैधानिक पद है उसके बीच का अंतर कब खत्म हो जाता है। योगी आदित्यनाथ इसकी बेहतरीन मिसाल है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने 23 से 24 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, और आप जानते हैं कि न्यूज क्लिक ने एक पड़ताल की थी कि जितने भी लोग मारे गए थे या तो उनके सिर पर गोली मारी गई या छाती पर। यही नहीं, उत्तर प्रदेश की बिजनौर की इस अदालत ने योगी राज और उत्तर प्रदेश पुलिस की जबरदस्त आलोचना की थी जब उन्होंने कहा था नंबर वन कि आप ये जो बात कह रहे हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया प्रदर्शनकारियों ने, आप कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाए। नंबर दो, आप इस बात का भी प्रमाण पेश नहीं कर पाए कि पुलिस वालों पर गोलियां चली थी। यही नहीं, नंबर तीन और सबसे अहम बात, उत्तर प्रदेश की बिजनौर अदालत ने 48 लोगों को बेल पर रिहा कर दिया क्योंकि यूपी पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। और यह शख्स जिसके हाथ में उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल है, अब ये दिल्ली में आधमका है और दिल्ली में भी दंगे करवाना चाहता है। तो मेरी अपील आपसे चुनाव आयोग, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि हम तो ये बात समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं दंगे हो। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि शाहीन बाग की जनता को भड़काया जाए, वो भी प्रतिक्रिया करें। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है दोस्तों, पहले ट्रिपल तलाक पर आपने सियासत की, आपने उम्मीद की कि मुसलमान सड़क पर उतरेगा, दंगा करेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर राम मंदिर पर फैसला आया, जी हां, वो फैसला जिसमें पूरे फैसले में आपने ये तक कह दिया कि हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं कि राम मंदिर था भी कि नहीं था। आपने ये भी कह दिया कि रामलला की जो मूर्तियां लगाई गई वो भी असंवैधानिक था। बावजूद इसके फैसला आया राम मंदिर के पक्ष में, उस वक्त भी आपने उम्मीद की थी कि उस फैसले के बाद मुसलमान सड़क पर उतरेगा, दंगा होगा, तब भी कुछ नहीं हुआ। आज जब शाहीन बाग में देश का मुसलमान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तब आपको एक मौका दिख गया है। यही वजह है कि आपके कार्यकर्ता और आपके नेता इस तरह से माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे हिंदू भाई, ये ना सोचें कि इससे आप अछूते रहेंगे। आपको मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया किस तरह से उन दो मासूम हिंदू बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है। आपके अंदर जहर रहेगा तो आपको क्या लगता है कि आप खुश रह पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी तमाम हदें पार कर रही है, और आप देखिए दिल्ली विधानसभा के सिलसिले में जारी किया गया ये गाना। आप इस गाने के बोलों पर, तस्वीरों पर निगाह डालिएगा और फिर मैं आपसे बात करता हूं।
देखिए क्या हो रहा तुझे हो मेरी दिल्ली, ढोंगी धरने दे रहे उड़ा रहे हैं खिल्ली। अब जाग तू छेड़ राग तू, घर से निकल बुझा हर राग तू। अब जाग तू छेड़ राग तू, घर से निकल बुझा हर राग तू। जो पिलाने आ रहे तुझे है नफरतों के घोल, खोल दे तू आज उन फरेबियों की बोल। दिल्ली तू अब जाग ले, शोर से गांठ बांध ले, हर द्रोही तू पहचान रे, देश अपना अभिमान रे। आपने देखा, दिल्ली की जनता से अपील की जाती है कि आग बुझाइए, मगर तस्वीर क्या दिखाई जाती है? बस जलाने की। जब देशद्रोही की ये बात कर रहे हैं तो इनके हिसाब से देशद्रोही कौन है? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उमर खालिद, कन्हैया और बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक, जो कि इस कानून के खिलाफ आज सरकार को चुनौती दे रहे हैं। इस वीडियो के अंदर शाहीन बाग की जनता को देशद्रोही बताया गया है। इस वीडियो के अंदर मुसलमान जो प्रदर्शन कर रहा है उसे देशद्रोही बताया गया है। और मैं कहना चाहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ दोस्तों कि इनका यह प्रोपेगेंडा कामयाब भी साबित हो रहा है। मैं अपने आसपास में अपने खुद के रिश्तेदारों को देखता हूं, उनके भाव में इस प्रोपेगेंडा के चलते जो जहर वो उगल रहे हैं ना, वो अप्रत्याशित है। मगर कुछ दिनों पहले मैंने ये बात कही थी कि अगर आप देश को शमशान कब्रिस्तान में तब्दील कर देंगे तो राज तो आप सिर्फ लाशों पर करेंगे ना, और लाशों पर राज करके आप क्या हासिल करेंगे ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। दोस्तों, आपके सामने एनडीटीवी का ये आंकड़ा है जो बताता है कि 11 दिसंबर 2019 से 29 जनवरी 2020 के बाद जो वीआईपी हेट स्पीचेस हैं, यानी कि जो राजनेता हैं या जो वीआईपीज हैं, उनके जो नफरती बयान में 800% की उछाल आई है। यही नहीं, वो बता रहे हैं कि 2014 से 2019 के बीच 174 ऐसे बयान थे जिन्हें हम वीआईपी हेट स्पीचेस बता सकते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि मई 2019 से लेकर अब तक, यानी कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 76 हेट स्पीचेस, वीआईपी हेट स्पीचेस सामने उभर कर आए हैं। यानी कि हमारे जो नुमाइंदे जिनका असर हमारी सोच पर पड़ता है, उनके बयानों में करीब 170% का उछाल आया है। हमारे राजनेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कर रहे हैं हमारे देश के साथ। और पत्रकार दोस्तों, अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आपको दिखाने वाला हूं दिल्ली पुलिस का एक व्हाट्सएप ग्रुप, और उसके अंदर बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, बड़े बड़े अखबारों के जो पत्रकार हैं वो किस कदर शाहीन बाग ही नहीं मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कोई ये पूछ रहा है शाहीन बाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, जवाब ये पत्रकार दे रहा है, भाई फर्जी था, जाहिलों ने रात की नींद खराब कर दी, खुद तो डैश की बिरयानी दबा रहे हैं और मुझे तो इन फोकटियों के चक्कर में आने जाने पर 300 रुपए खर्च करने पड़े, पता नहीं इनको कब आजादी मिल रही है। दिल्ली पुलिस आजादी ही नहीं दे रही है, ये दूसरा पत्रकार कह रहा है, दिल्ली पुलिस आजादी दे ही नहीं रही, सब तिहाड़ पहुंचे तब मिल जाएगी इनको आजादी। फिर कोई कह रहा है सर आप जीजा साली को ही गिरफ्तार करो, शाहीन बाग के जो डैश बैठकर हिंसा कर रहे हैं उन्हें बिरयानी ही खाने दो, पुलिस का लठ अब क्या सिर्फ तेल ही पिएगा या अपना फर्ज भी निभाएगा। इसमें एक पत्रकार यह भी कह रहा है कि उन्हें तुरंत ऊपर भेजा जाए और इन्हें 72 हूरों का साथ मिले। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक पत्रकार और ट्रोल के बीच फर्क होना चाहिए, उसकी भाषा में फर्क होना चाहिए। हो सकता है कि आप शाहीन बाग से इत्तेफाक नहीं रखते हो, मैं भी कुछ मायनों में, मसलन मैं भी चाहता हूं कि शाहीन बाग की जनता उस सड़क को खाली कर दे, मगर जो आंदोलन है उसके प्रति मेरे जहन में इज्जत है। हो सकता है कि आप वैचारिक तौर पर उनसे सहमत ना हो, मगर जो भाषा मैंने इन पत्रकारों की बताई, क्या आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? यह ना भूलें कि शाहीन बाग की जनता इसी दिल्ली शहर के निवासी है, इसी देश के रहने वाले हैं वो, और जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं मानो कोई शत्रु हो, और शत्रु के लिए भी कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ कहने जा रहा हूं,
जो 11 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं ना, मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने यह बता दिया है कि इस इलेक्शन में उनका क्या एजेंडा है। मसलन आम आदमी पार्टी किस चीजों की बात कर रही है? शिक्षा की बात कर रही है, बिजली पानी की बात कर रही है, सीसीटीवी की बात कर रही है, यानी कि उसका जो एजेंडा है पूरी तरह से विकास पर आधारित है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपने 15 साल के राज की बात कर रही है। उसने बताया कि उस 15 साल में हमने दिल्ली को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, जो हकीकत भी है। मैं निजी तौर पर मानता हूं कि शीला दीक्षित दिल्ली के इतिहास के अब तक जितने मुख्यमंत्री हैं उनका मुकाम बहुत खास रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा है? कार्यक्रम के बीच में मैंने आपको बताया उनका जो गाना रिलीज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक एजेंडा है, देश के गद्दारों को गोली मारो। देश के गद्दारों को जी हां, सिर्फ शाहीन बाग, सिर्फ नफरत। मैं क्यों कह रहा हूं मैं चाहता हूं ये लोग जीते? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता नफरत के आधार पर वोट दे सकती है या नहीं दे सकती। मैं जानना चाहता हूं कि आपके अंदर कितनी नफरत भरी है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आप इस नफरत की आग में क्या अपने बच्चों को, क्या अपने आने वाली पीढ़ियों को झुलस सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप और कितना गिरेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीते, क्योंकि यह पॉलिटिकल पार्टी खुलेआम देश की जनता को दो फाड़ कर देना चाहती है, देश की जनता को आग में झुलसवा देना चाहती है। क्योंकि इकॉनमी सुधारना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बजट सामने आया है, उस बजट में क्या है कोई कुछ नहीं समझ पा रहा। तो जो चीज तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम सिर्फ यही जानते हो कि तुम इस नफरत के आधार पर ही सियासत कर सकते हो और शायद तुम्हें दिल्ली में जीत भी मिल जाए। नमस्कार।